अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहां है? दिस इज व्हाट है। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। तैयार हैं जनाब। मेरा उसूल है नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक। बॉबी को टशन दिखाने आया ये विलन। कितने रिकॉर्ड बनाए फिल्म ने, क्या बॉबी नहीं थे फिल्म की पहली चॉइस? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज में। बॉबी देओल के सारे फैंस तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका हैंडसम हीरो पर्दे पर जल्द ही वापसी करने वाला है, और वो भी मुख्य किरदार में। जानना चाहते हैं फिल्म का नाम? वो फिल्म होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म सोल्जर का सीक्वल। 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अब्बास मस्तानी की जोड़ी ने। फिल्म के मुख्य किरदार थे बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। बॉबी के करियर की सबसे शानदार कहलाने जाने वाली फिल्म का सीक्वल बनना तो बनता है। इस फिल्म ने बॉबी और प्रीति को बॉलीवुड में नई पहचान दिलाई। बॉबी ने निभाया था मेजर विकी का किरदार, जो अपने पिता के हत्या से अनजान है, पर जब वो तस्करी करने वाले बदमाशों को पकड़ने के मिशन में कामयाब होता है, तब उसकी मुलाकात होती है अपने पिता के हत्यारे से। विलन का किरदार निभाने वाले सुरेश ओबेरॉय यानी कि विवेक ओबेरॉय के पिता भी इस फिल्म का हिस्सा रहे, जिनके किरदार की भी काफी तारीफ की गई। फिल्म के लिए पहली बार उन्होंने बिना मूछों वाला लुक रखा था। अब सवाल ये है कि क्या सुरेश फिर से एक बार खलनायक की भूमिका निभाएंगे या फिर किसी और को ये मौका मिलने वाला है। विलन के किरदार निभाने वाले कई मशहूर एक्टर हैं हमारे बॉलीवुड में। वैसे सुरेश ओबेरॉय से पहले ये किरदार गुलशन ग्रोवर को ऑफर किया गया था, पर कुछ कारण वो मुमकिन नहीं हुआ, तो इस बार उनके नाम का विचार हो सकता है। इतना ही क्यों, आशुतोष राणा तो अपनी आंखों से ही डर पैदा करते हैं, वो भी ये किरदार निभा सकते हैं। उनके बाद नाम आता है प्रकाश राज का, जो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी विलन की छाप छोड़ चुके हैं। पर फाइनल फैसला तो अब्बास मस्तान का ही होगा कि वो विलन के तौर पर किसे देखना चाहते हैं जो बॉबी को जबरदस्त टशन दे सके। इस फिल्म से जुड़े एक और बात बताते हैं। दरअसल जब अब्बास मस्तानी हीरो को खोज में थे, तब धर्मेंद्र ने सनी को कास्ट करने के लिए कहा, पर अब्बास मस्तानी को बॉबी इस फिल्म के लिए परफेक्ट लग रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों से ना कह दिया। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस के अनुसार सनी के साथ बाद में काम किया था। सोल्जर सुपर हिट रही, पर बात बस यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी किए हैं। उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से ये फिल्म तीसरी जगह पर थी। फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए, जिसके म्यूजिक एल्बम को टॉप 4 में जगह मिली। डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा को अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसके साथ फिल्म के एक्शन डायरेक्टर को भी अवार्ड से नवाजा गया। अब ऐसे आइकॉनिक फिल्म का सीक्वल देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। आपके हिसाब से कितने बजट में बनेगी सोल्जर 2, बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ।